आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, दो चार बातें बता दूं मैं पहले स्टार्टिंग में आपको। तो अभी भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक की दिक्कत होती हो, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस लेते हो, तो भाई स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितना हमने कराया है, अगर आपने ईमानदारी से अगर वो किया होगा, तो आप कट ऑफ मार्क्स को ईज़िली पार कर जाएंगे बिना टेंशन के, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। और दूसरी चीज़, ज़्यादा टेंशन लेके आप क्या करते हैं कि दो चार पांच क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन को आप गलत कर लेते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखें, जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपके अगर गलत हो जाते हैं तो वो आपका ये रुकवाने का कारण जरूर बन सकते हैं। अगर जो टफ क्वेश्चन है वो आपके ठीक हो जाते हैं, तो इनसे ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका पीटी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी से नहीं आ रहे होते हैं। तो आप टफ क्वेश्चन को ये सोल्व करने के बजाय इजी क्वेश्चन को गलत ना करके आएँ, क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन भी, जो इजी क्वेश्चन है वही आपका एग्ज़ाम निकलवाते हैं। कुछ से वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं और कुछ से वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। टफ क्वेश्चन ये डिसाइड नहीं करते कि कट ऑफ क्या रहेगी और क्या कट ऑफ नहीं रहेगी, ये क्योंकि किसी से नहीं होते। कुछ का अगर तुक्का लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज़ ये डाले इसलिए जाते हैं 10 से 15-20 क्वेश्चन जो 100 के में से 99% लोग गलती करते हैं उसमें। तो अभी ज़्यादा सोचा नहीं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो भी हमारी इस सीरीज़ को देख रहे होंगे, उन्होंने ये देखा होगा कि हमने ये राजस्थान का पहला टेस्ट छोड़ दिया था, उसके बाद में हमने दूसरे से स्टार्ट किया था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और दसवां टेस्ट हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमने अभी तक राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं कराई थी। आज आर्ट एंड कल्चर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, तो आप पहले उसको देखें, उसके बाद में इस टेस्ट को देखें। दो क्लासें आर्ट एंड कल्चर की पूरा इसमें कंप्लीट किया गया है। तो अब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो उसमें पढ़ा है उसका मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए हमने ये रोक के रखी हुई थी, क्लियर है। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन दोस्तों ने, साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरीके से हम ये राजस्थान प्रीलिम्स की सीरीज चला रहे हैं, उसी तरीके से जो एक बड़ी भर्ती है राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए भी इसी तरीके से तैयारी कराएंगे, तो जिससे कि आपका दोनों में से कहीं ना कहीं पे 100% सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, प्रत्यार बंस के बारे में हमने आपको बता दिया था, अब क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की आपको पहचान करनी, कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है, इस बंस के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मेड़ता हुआ करती थी। तो ये बात गलत है, इनकी राजधानी क्या होती थी, इनकी राजधानी हुआ करती थी मंडोर, ठीक है ना। तो इसमें आपके संस्थापक भी पता लग गए कि ये प्रत्यार बंस के संस्थापक थे कौन, हरिश्चंद्र, इनकी राजधानी क्यों हुआ करती थी मंडोर, इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो दो फैक्ट मजबूत हो गए आपके। दूसरा स्टेटमेंट है, नागभट्ट ने राजधानी को मेड़ता से मंडोर स्थानांतरित किया था। तो ये गलत है, तो मंडोर से ये मेड़ता स्थानांतरित किया था, कहाँ से, मंडोर से ये मेड़ता लेकर आया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, अरब यात्री सुलेमान मेर भोज के शासनकाल में यहाँ पर भारत आया था। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, इस वंश के संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी मंडोर, और यहाँ पर लिखा था मेड़ता। दूसरा है, नागभट्ट प्रथम ने राजधानी को, यहाँ पर लिखा हुआ था मेड़ता से मंडोर, जबकि मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, किसने, ये नागभट्ट ने, प्रथम ने। बाकी आपने देखा कि सुलेमान जो है 9वीं शताब्दी में मेर भोज के शासनकाल में भारत आया था। सुलेमान की पुस्तक का नाम आपको पता होना चाहिए, अखबार उल वल हिंद पुस्तक थी। इसने क्या है, मेर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था इसने। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। तो पहला स्टेटमेंट है कि 1872 में नगरी सभ्यता की खोज ये आर जी भंडारकर द्वारा की गई थी। तो ये खोज नहीं की गई थी, इनके द्वारा क्या गया था, खुदाई कराई गई थी। खोज किसने की थी, कलाइल द्वारा एक खोज की गई थी, इसका नाम था कलाइल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, अब पहला जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कि बरोड़ सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, ये बात ठीक है, दूसरा जैसे आए तो आप इजीली पकड़ लोगे फिर आंसर को। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है, पगड़ी पहने स्त्री की मणिमूर्ति नलियार की सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो ये बात भी गलत है। तो कहाँ से मिली है, ये रेड की सभ्यता से मिली है, ये नलियार की सभ्यता से नहीं, रेड की सभ्यता से मिली थी ये। चौथा है, जोधपुरा पुरातात्विक स्थल को
धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है, तो चौथा ये स्टेटमेंट ठीक है। देखिए, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी को पाणिनि की अष्टाध्याय में उल्लेखित मध्यायिका माना गया है। 1872 में किसने कोलाइल द्वारा इसकी खोज की गई थी, जबकि 1819-20 में D.R. भंडारकर और 61-62 में K.B. सौंदर्य राजन द्वारा यहाँ खनन कराया गया था। पगड़ी पहने स्त्री मृण मूर्ति जो भी कहाँ से मिले, रेड की सभ्यता से मिली है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, एक तरफ दुर्ग है, दूसरी तरफ अलाउद्दीन द्वारा परिवर्तित नाम, इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन करके इसने कर दिया था खिजराबाद, और सिवाड़ा का नाम करके बदल दिया था खैराबाद, और जालौर का नाम कर दिया था जलालाबाद। क्लियर है, तो तीनों ही बातें ठीक हैं। तो 1303 में क्या हुआ था, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब? 1303 में अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम कर दिया खिजराबाद अपने बेटे के नाम पर ही। 1308 में क्या हुआ, अलाउद्दीन ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाड़ा पर अधिकार कर लिया और उसका नाम रख दिया खैराबाद। तो आपको ये डेटा भी क्रम से पता होनी चाहिए, पहला क्या था, पहला था चित्तौड़ का, दूसरी खैराबाद, और वहाँ किसे कमालुद्दीन को नियुक्त किया था वहाँ पे। तीसरा किया था इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर डेरा डाला, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अंत में कानाडदेव के एक दहिया सरकार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम रख दिया जलालाबाद। तो तीसरा है जलालाबाद, यानी कि CGK। अब यहाँ पर इसने जो है अलाई तोपखाने की मस्जिद का निर्माण भी कराया था, कहाँ पर, जलालाबाद में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताना कि कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को मानसिंह द्वारा बनवाया गया था, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, आमेर के मानसिंह ने काबुल प्रांत की ये सूबेदारी के दौरान ईसा खां सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है, मानसिंह को काबुल बिहार व बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो ये बात ठीक है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ स्थापत्य हैं, दूसरी तरफ शासक हैं। तो आमेर के किले की बात की जाए तो ये मानसिंह से रिलेटेड है। दूसरा, जयगढ़ का किला, जयगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, तो ये निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा। तीसरे, गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने। मोती डुगरी महल ये बनवाया था माधो सिंह ने, तो इसका आंसर आता है बी। नेक्स्ट है, चंद्रमहल में प्रसिद्ध मुबारक महल जो मुगल राजपूत वे यूरोपियन स्थापत्य कला का नमूना है, इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता थे सवाई माधो सिंह द्वितीय, किसके, मुबारक महल के। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन इसमें बताना कौन सा असत्य है। तो पहला है, राणा हम्बीर ने कैलाशपुरी में एकलिंगी मंदिर का निर्माण कराया था, तो ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। जो किसने कराया था, ये रावल बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगी मंदिर का निर्माण कराया था, किसने, रावल बप्पा ने। तो एक लिंगी जी गुहिल वंश के इष्ट देवता हैं, कौन से वंश के, गुहिल वंश के इष्ट देवता हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अब ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा, इनमें से कोई सा होगा। दूसरा देख लेते हैं, आठपुर प्रशिष्टि गुहिल वंश से संबंधित है, ये बात ठीक है। तीसरा है, रावल जेत्र सिंह ने आहड़ को चालुक्य से मुक्त कराया था, ये बात भी ठीक है। तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिहार वंश के संबंध में देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, बताना है। तो पहला ही है कि मुहूर्त नेडसी ने प्रतिहारों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, तो इसने 24 नहीं 36 शाखाओं का, उसने ब्रांचेस का उल्लेख किया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, जहाँ पर भी आएगा। दूसरा है, बाउक ने घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण कराया था, तो बाउक नहीं था, इसका नाम था काकुक, इसका नाम था काकुक नाम था, उसने कराए थे, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है, काकुक ने घटियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित किए थे, तो यही तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, सी आंसर आ जाता है। अब ये देख लेते हैं, देखिए मुहूर्त नेडसी ने प्रतिहारों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जिनमें मंडोर, जालौर, राजौड़, कन्नौज, उज्जैन, भाड़ोच में प्रतिहार प्रसिद्ध हैं। काकुक ने घटियाला शिलालेख उत्कीर्ण कराया था, ये बात ठीक है। तीसरा है, घटियाला के शिलालेख, घटियाला जोधपुर के पास से प्राप्त दो शिलालेख मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार शासकों की नामावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन बताती है, तो ये बात ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्धोतन सूरी ने 1778 ईस्वी में कुबल या माला की रचना और आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना किस शासक के काल में की थी? तो इन्होंने वत्सराज के शासन में की थी ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को बताइए कौन सा असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के राणा राज सिंह के विरुद्ध 1679 में युद्ध प्रारंभ किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, औरंगजेब ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा, ये बात भी ठीक है। तीसरा है कि 1681 में मेवाड़ के शासक जय सिंह वे मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई थी, तो ये बात भी ठीक है। तो ये इसका ये जो है इनमें से कोई भी मतलब गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, आबू के परमारों के संबंध में निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उनका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन थे? कृष्णदेव थे, उसके बाद विक्रम सिंह थे, उसके बाद धारा ये वर्ष थे, फिर सोम सिंह थे। तो भी आंसर आ गया आपका। देखते हैं, कृष्णदेव के पुत्र विक्रमदेव ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी। विक्रमदेव का पुत्र ये धारावर्ष आबू के परमारों के शक्तिशाली शासक था और धारावर्ष के पुत्र ये कौन थे? सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के दिलवाड़ा में लुणबसाही नामक नेमिनाथ मंदिर बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है आपको बताना है। तो चौहानों का मूल स्थान जो है सपाद क्या है? सपाद लक्ष्य है। चौहान शासक अजयराज को जयनांग द्वारा अपने पृथ्वीराज विजयी ग्रंथ में पृथ्वी की चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है, ये बात भी ठीक है। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज प्रथम के बारे में लिखा गया है, उसने पुष्कर पर आक्रमण करने के लिए 700 चालुक्यों को मार गिराया था, ये बात भी ठीक है। चौथा इसमें स्टेटमेंट गलत है, पृथ्वीराज विजयी नामक ग्रंथ के रचयिता ये कौन है? नयनचंद सूरी है, तो ये गलत है। तो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है जय नाग, इसके रचयिता है ठीक है। ये नयनचंद सूरी की कौन सी है? इन्होंने ये हमीर महाकाव्य लिखा था ये। नेक्स्ट है, बीकानेर के राठौर शासकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि अकबर ने अनूप सिंह को महाराजा और माही मरातिब की उपाधि दी थी, तो ये गलत है, अकबर ने नहीं दी थी। तो पहला किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, बीकानेर राठौड़ री ख्यात के रचयिता दयाल सिंह राय सिंह है, तो दयाल सिंह राय सिंह नहीं है, दयाल सिंह रतन सिंह है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। चिंतामणि भट्ट द्वारा सुख सप्तमी ये सप्तपति के राजस्थानी अनुवाद में कर्ण सिंह को जंगल धर बादशाह कहा गया, ये बात ठीक है। चौथा है, गंगाधर मैथिल कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान थे, तो ये बात भी ठीक है। तो केवल दो ठीक है और दो गलत हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो पहला है शासक, दूसरी उपाधि, नागभट्ट प्रथम को उपाधि मिली थी नारायण की, वत्सराज को उपाधि मिली थी रतन हस्तिन की, गोविंद तृतीय को मिली थी बेरीघट की और विक्रम देव को मिली थी महामंडलेश्वर की, तो ये चारों बातें ठीक हैं। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताइए कौन सा सत्य है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट है, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह को भागवत कथा पर आधारित गज उद्वार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, सूर्य प्रकाश के रचयिता कौन? कर्णीदान महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे, तो जसवंत सिंह के नहीं थे, ये अभय सिंह के दरबारी विद्वान थे, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा जिसमें आएगा वो गलत हो जाएगा, पहला आपको पता सही है, तो ये आंसर आ गया। अब देख लेते हैं, पदराड़ा अभिलेख जोधपुर के शासकों से संबंधित है, तो ये पदराड़ा अभिलेख महाराणा कुंभा से संबंधित है, ये गलत है। तो पहला इसमें स्टेटमेंट ठीक है, ये महाराणा कुंभा से संबंधित है। कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। चौहान रानी सोमाल देवी ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे, ये बात ठीक है। चौहानों की जानकारी देने वाली हांसी अभिलेख का समय लगभग 7 से 8वीं शताब्दी है, यही बात गलत है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज है, ये बात ठीक है। तो हांसी का अभिलेख का समय क्या है? 11वीं सेंचुरी थी, यानी कि 1167 का अभिलेख है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अजयराज की रानी सोमलदेव ने अपने नाम के सिक्के चलाए, चौहानों की जानकारी देने वाला हांसी अभिलेख का समय 1167 बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक तरफ तो जलीय संरचना, दूसरी तरफ निर्माता है, रानीसर तालाब ये किसने बनवाया था? जसमा दे ने बनवाया था ये।
दूसरा है सर जी ये तुर जी का झालरा ये जैक वर ने बनवाया था, जाड़े जी का झालरा ये बदन कंवर ने बनवाया था, त्रिमुखी बावड़ी ये बनवाया था राम रसरे देने। तो इसका आंसर ये आ जाता है। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये तुर जी का झालरा कहाँ पर, ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी रानी जयकंवर तुर जी ने बनवाया था। ये जाड़े जी का झालरा कहाँ पर, तो झालरे का निर्माण जो है महाराणा अजीत सिंह की रानी बदन कंवर जोड़े जी ने करवाया था। ये रानी सर तो ये राव जोधा की रानी जसमादी ने कराया था इसका निर्माण। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में, इसका निर्माण मेवाड़ राजा राज सिंह की रानी रामस दे ने कराया था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्यकालीन राजस्थान में मोराजस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है बताना है। तो खालसा भूमि का प्रबंधक जो होता दीवान होता था, ये बात ठीक है। किसानों के स्वामित्व वाली भूमि जागीर कहलाती थी। तीसरा नकद के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व हिरण्य कहलाता था, तो ये जागीर नहीं कहलाती थी, दूसरा ही गलत है। तो खालसा भूमि राज्य सरकार के अधीन में होती थी और दीवान इसका प्रबंधक होता था। अन्य भूमि के प्रकार कौन कौन से थे, हवाला हो गई, ये जागीर भूमि हो गई। वहीं बात करते हैं जागीर की, जागीर भूमि की उपज का भाग मंदिर मठ चारण ब्राह्मण आदि को दिया जाता था, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो किसानों को भूमि दी जाती थी ऐसी भूमि को बपोती कहलाती थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 में बताना कि एक तरफ अधिकारी हैं मध्यकालीन ग्राम प्रशासन के, दूसरी तरफ कार्य हैं, कौन सा सही सुमेलते बताना है। तो कानबारी ये क्या होता था, ये होता था कानबारी खेत रक्षक, और दफेदार क्या होता था, दफेदार होता था दफेदार, तो लेखा जोखा करने वाला, दो तो गलत हैं। अब तीसरा तलवाटी जो उपज तोलता था, यानी तल बाटी तो तोलता था, साना प्रबंधक होता था, तीसरा चौथा ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान में मारवाड़ की प्रांतीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है इस समय शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी मुहासिब होता था, मुहासिब नहीं होता था प्रधान होता था, तो प्रधान इसका पहले का प्रधान होता था, तो पहला जिसमें आएगा वो गलत है, तो आपका आंसर आ गया सी। दूसरा देखते हैं हाकिम शासकीय तथा न्यायिक संबंधी कार्यों के लिए परगने सर्वोच्च अधिकारी होता था, परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये बात ठीक है। तीसरा परगने का दूसरा उच्च अधिकारी फौजदार होता था जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था, तो दूसरा और तीसरा इसमें ठीक है। अब देखते हैं, देखिए मध्यकालीन मारवाड़ में शासक के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, प्रधान होता था। नेक्स्ट चलते हैं सही युग्मों की संख्या बताइए, एक तरफ लेखक हैं दूसरी तरफ पुस्तक। तो पहला है कुंभा की पुस्तक कौन सी थी, शुद्धा प्रबंध थी। नाथा की पुस्तक कौन सी थी, ये वस्तु मंजरी थी, यहाँ पर वस्तु सार नहीं थी, गलत हो गया। मंडन की पुस्तक कौन सी थी, मंडन की पुस्तक होती थी वस्तु सार, तो इसका यह आएगा। उसका गोविंद की पुस्तक होती थी ये द्वार दीपिका उद्धार धारणी कला निधि सार समुच्चय, तो ये भी गलत है, केवल इसमें पहला सुमेलित है। अब कुंभा की पुस्तक देख लें तो कौन कौन सी होती थी, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत क्रम दीपिका संगीतराज, जितने भी संगीत के नाम सारी इसकी होती थी। ये नाथा की कौन सी होती है, वस्तु मंजरी। मंडन की बात करें वस्तुकार वस्तुसार देवमूर्ति प्रकरण, और इसकी राजबल्लभ रूपमंडन और कोदंड मंडन। गोविंद की कौन सी होती थी, द्वार दीपिका उदार धोरणी कला निधि सार समुच्चय। चलिए नेक्स्ट है सामंतों की श्रेणियाँ और रियासत बताने, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला है मुस ददी कहाँ पर मारवाड़ में चलती थी, 12 कोठरी व्यवस्था, ये बीकानेर में नहीं थी, ये जयपुर में थी, ये जयपुर में यह व्यवस्था थी 12 कोठरी। दूसरा है देश थी और हजूर थी, ये कोटा में थी, तो केवल दो युग्म इसमें सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित वस्तुकलाओं में से कुंभा द्वारा निर्मित वस्तुकला की पहचान कर सही कुट का पहचान करना है कौन सा है, तो एक लिंगी का मेरा मंदिर, दूसरा है कुंभलगढ़ दुर्ग, ये दोनों जो है कुंभा द्वारा निर्मित है। तीसरे की बात करें हम त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो ये परमार भोज ने निर्माण कराया था, इसका किसने, परमार भोज ने। और घोसुंडी बावड़ी की बात करें तो घोसुंडी बावड़ी चित्तौड़ में है, तो इसका निर्माण किसने कराया था, ये रायमल की पत्नी ने कराया था, श्रृंगार देवी ने, तो ये तीसरा और चौथा गलत है, पहला और तीसरा ये दूसरा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलों में से राजस्थान की तत्कालीन संस्कृति के स्थलों का चयन कीजिए, कौन कौन सी, नौ भरतपुर में, कालीबंगा भी है, मला है, और ये किरोड़मोत जयपुर में है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आंसर आ गया।
अब इसमें से एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो इसका, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। गणेश बर्ड कहाँ पे? सीकर में, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद में है, आहड़ बे झांडोली उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर, सावड़िया वे पोंगल बीकानेर, और नंदल ये नंद लालपुरा, किरोड़ीमल वे चीतामढ़ी जयपुर में है, एलिना ये जालौर में है, बोड़ा पुष्कर ये अजमेर, कोल माहौली सवाईमाधोपुर, मल्ला भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ पे मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ कहाँ पे मिलता है? अंगुत्तर निकाय में है, और आपका ऋग्वेद में है, ब्राह्मण में है, और ये ब्राह्मण ये है महाभारत में, तो सभी जगह पे मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद बताए गए हैं, जिसमें मत्स्य जनपद सतपद ब्राह्मण कौशिकी उपनिषद में उल्लेख है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट बताया था। अब सुमेलित करना है, इसमें कौन सा किसके सुमेलित है? पहले की बात करते हैं, महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा कहाँ पर है? ये आपका है नगर में। अपोलोडोस का सिक्का ये कहाँ पर है? यह रेड में। वहीं लालबर्द मन के ये बारोर में। गोल मंदिर से के अवशेष ये कहाँ पर है? ये है आपके, ये तो फिर जो बच गया वहीं पर है, विराट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध शैल चित्रों के स्थल के संबंध में सुमेलित युग्मों की पहचान करनी है। तो पहला देखते हैं, हरसोरा की बात करें तो हरसोरा कहाँ पर है? यह है अलवर में। अलवर में इसके आगे लिखा हुआ भरतपुर, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा है सोनपुरा। सोनपुरा कहाँ पर? ये सीकर में है, तो ये भी गलत है, ये कहाँ पर? सीकर में है ये। तीसरे की बात करते हैं, कन्यादाह ये कहाँ पर है? कन्यादाह है बारा में, तो ये भी गलत है। चौथा डडीकर कहाँ पर है? अलवर में, यही ठीक है, तो केवल एक ठीक है इसमें। हरसोरा कहाँ? अलवर। सोनपुरा सीकर, कन्यादेह बारा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है? तो एक तो मेवाड़ शासक हैं, दूसरे समकालीन व्यक्तित्व उदय सिंह ये कल्ला राठौड़ ये सही सुमेलित है, दूसरा राणा सांगा महमूद खिलजी प्रथम ये गलत सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताइए। तो पहला स्टेटमेंट है, इस सभ्यता की खोज बीबी लाल और बीबी के थापन ने की थी, ये बात गलत है। यहाँ से उत्खनन 5 स्तंभों में प्रथम एवं द्वितीय स्तंभ स्तर जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए कालीबंगा के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज ये मतलब कराई थी। यहाँ से उत्खनन में 5 स्तरों का तक कार्य किया गया, मतलब जिसमें प्रथम व द्वितीय स्तर सिंधु सभ्यता से प्राचीन एवं तीसरा चौथा और पाँचवा स्तंभ जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों का धूप में तपाकर पकाकर उपयोग किया गया था। ईंट पकने के भट्टे के अवशेष नहीं मिले हैं। राजस्थान में प्राप्त विभिन्न सभ्यताओं में सर्वप्रथम खोज नगरी सभ्यता की 1872 में कोलाइल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित व्यक्तित्व राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में मंत्रिमंडलीय में सम्मिलित थे? तो ये बात की गई है, देखिए सिद्धराज फूलचंद्र रघुबर और वेदप्याल, तो कब से संबंधित थे? ये बृहत राजस्थान 1949 से संबंधित थे। 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल में सिद्धराज ठड्डा जयपुर के थे, प्रेम नारायण माथुर भूरेलाल बयां उदयपुर के, फूलचंद्र बाफना नरसिंह कछवाहा और राव राजा हनुमंत शाह जोधपुर के, रघु दयाल गोयल बीकानेर के और वेदपाल त्यागी कोटा के सम्मिलित थे इसमें। नेक्स्ट, भरतपुर और धौलपुर के विलय में के संबंध में जनता की राय जानने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इस समिति का गठन किया गया था शंकर देव राय समिति, इम्पोर्टेंट है। अन्य सदस्य थे इसमें प्रभुदयाल और आर के सिधवा। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और असत्य कथन को इसमें बताइए कौन सा असत्य है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात चल रही है, तो बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, मणिकलाल वर्मा ने अजमेर में इस प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय स्थापित किया था, ये बात भी ठीक है। इस प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को की गई थी, ये भी ठीक है। चौथा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रजामंडल ने राजाओं को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो कब दिया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था ये, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही युग्मों को पहचानना है, एक तो प्रजामंडल, दूसरा अध्यक्ष है इसमें, तो बूंदी के अध्यक्ष कौन थे? बूंदी के अध्यक्ष थे कांतिलाल। वहीं बात करें भरतपुर के कौन थे? गोपीलाल। अगर जयपुर के अध्यक्ष की बात करें तो जयपुर से जमुना लाल थे।
झालावाड़ के कौन थे? मांगीलाल। तो आपका सी आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में आपको बताना है। तो भरतपुर रियासत में ब्रिटिश भारत के शासक को पदच्युत करके डंकन मैकेंजी को शासन संबंधी अधिकार सौंप दिए गए थे, ये बात ठीक है। दूसरा है, नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद और जोहरीलाल ने भरतपुर में की थी, तो ये गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तीसरा, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के संस्थापक रघुवर दयाल गोयल थे, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मार्गों की रक्षा करने के लिए लगाया जाने वाला बोलाई कर संबंधित है किससे? भील जनजाति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है, कौन सा सही है। 1923 में देलवाड़ा के पास झोजर नामक स्थान से सिरोही राज्य के भीलों और ग्रासियों ने नए सिरे की एक ही आंदोलन शुरू किया था, पहला स्टेटमेंट ठीक है। महात्मा गांधी की सलाह पर खेड़बिरा गांव में मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है बताना है। तो 1916 में ये साधु सीताराम दास व मगनलाल शर्मा के आग्रह पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पाथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, पाथिक के निर्देशानुसार बेरीसाल में उपरमाल किसान पंचबोर्ड के नाम से केंद्रीय समिति बनाई गई थी, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, मेवाड़ स्थित अंग्रेज रेजिमेंट विल्किंसन ने बिचौलिया में रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव का अनुमान लगाया था, तो ये बातें तीनों ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक और यहाँ पर फैक्ट देख लेते हैं, विजय सिंह पाथी ने बिचौलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशन है, कौन सा असुमेलित यानी गलत है वो आपको बताना है। तो आप पहले सही देख लेते हैं, कौन सा, देखिए प्रजा सेवक जोधपुर से प्रकाशन होता था इसका, जय हिंद का कोटा से और नवीन राजस्थान का अजमेर से। राजस्थान वीकली का कहाँ से होता था? ये आपका उदयपुर से नहीं होता था, ये ब्यावर से निकालते थे, कहाँ से? ब्यावर से निकलता था। कौन? ऋषिदत्त मेहता इसको निकालते थे 1923 में। नेक्स्ट चलते हैं, मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1931 के अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है, कौन सा सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह अधिवेशन पुष्कर में चंदकरण शारदा की अध्यक्षता में हुआ था, पहला स्टेटमेंट ठीक है। महात्मा गांधी इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि थे, दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है। अधिवेशन में बिगोड़ी बेगार प्रथा के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तुलछाराम भोकर या टिकुराम भोकर आसाराम पिलानिया नामक किसान संबंधित हैं किससे? ये सीकर ठिकाना से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भोंगालाग क्या है? तो भोंगालाग एक चराई कर है, कब लगाया जाता था? मध्यकालीन राजस्थान में जागीरों द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला एक कर था। नेक्स्ट है, एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ है संपादक। तो देखिए, त्यागभूमि के संपादक कौन थे? इसके संपादक थे हरिभाऊ त्यागभूमि के संपादक थे। आर्य मार्तंड की जहाँ तक बात करें तो इसके संपादक थे ये राम सहाय। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान हेरल्ड के, तो राजस्थान हेरल्ड के थे ये केसरलाल जैन। नवज्योति के कौन थे? नवज्योति के थे आपके ये दुर्गा प्रसाद चौधरी, तो डी आपका आंसर आ जाता है। त्याग भूमि का प्रकाशन 1927 में अजमेर से हरिभा उपाध्याय और श्रेमानंद राहत ने किया था। दूसरा कौन सा था? दूसरा था नवज्योति। नवज्योति 1936 में अजमेर के रामनारायण चौधरी ने साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। तीसरा था राजस्थान हेरल्ड, तो इसका प्रकाशन किया था केसरलाल जैन ने 1942 में जयपुर से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मित्रमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। पहला है, साधु सीताराम दास ने बिचौलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने हेतु इस संगठन की स्थापना की थी, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, यह राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था, दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है। तीसरा, ये प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार से संबंधित है, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताइए। पहला, 1857 के विद्रोह के समय डूंगरपुर के महाराजा कौन? महारबल उदय सिंह ने नीमच की विद्रोही सेना को रोकने में अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ये एक थे जिन्होंने सहायता की थी।
दूसरा स्टेटमेंट है, जयदयाल और मेहराब खान ने टोंक में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो टोंक में नहीं किया था, ये कोटा में किया था, ठीक क्लियर है, कोटा में। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा जैसे भी गलत आप कर दोगे तो पहला तीसरा आंसर आ जाएगा। मेरठ के विप्लव की सूचना ए जी जी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को माउंट आबू में मिली थी, तो तीसरा बात भी ठीक है। जो कहाँ पर, कोटा राज्य के भूतपूर्व वकील लाला जयदयाल और सेना में रिसालदार मेहराब खान ने सेना में विद्रोह को अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। अब चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटिश अधिकारी आउबा से संबंधित कौन सा है, तो कौन से ब्रिटिश अधिकारी आउबा से संबंधित हैं, आउबा तो एक तो निक्सन है संबंधित, दूसरा कर्नल होम्स है, और ये तीसरे मैक मेसन है, तो तीनों आंसर आ जाते हैं। 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ जिसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन मैक मेसन मारा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान के अधिकांश शासकों ने इस संदर्भ में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये बात ठीक है, क्योंकि शासकों को यह विश्वास था कि अंग्रेजों ने ही उन्हें मराठा पिंडारियों और सामंतों के उपद्रव से राहत दिलाई, ये दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सागरमल गोपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा इनके बारे में असत्य है बताना है। तो इन्होंने 1932 में रघुनाथ सिंह मेहता के साथ मिलकर जैसलमेर में माहेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की थी, पहला स्टेटमेंट ठीक है। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, तो ये बात गलत है, इन्होंने भाग नहीं लिया था इसमें। तीसरा, इनकी मृत्यु की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया था, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, बारहट परिवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा असत्य है इस कथन को बताइए। तो केसरी सिंह बारहट डिंगल के कवि एवं क्रांतिकारी थे, ये बात ठीक है। दूसरा है, प्रताप सिंह बारहट को बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा है, जोरार सिंह बारहट का संबंध साधु प्यारेलाल हत्याकांड से था, तो ये गलत है। किसका था, केसरी सिंह बारहट का संबंध था प्यारेलाल हत्याकांड से, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं को सम्मिलित कीजिए। तो अब ये कौन सी महिलाएं कहाँ से थी, सरस्वती बोरा की बात करें हम तो ये कहाँ से थी, भरतपुर से थी। भगवती देवी की हम बात करें तो ये कहाँ से थी, उदयपुर से थी। लक्ष्मी देवी जी की बात करें तो ये थी बीकानेर से। कुमारी कुसुम गुप्ता की बात करें तो ये कोटा से थी। ये तो इस हिसाब से आपका आंसर आया था सी। चलिए नेक्स्ट है, चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित मंदिर और निर्माणकर्ता कौन कौन थे। तो बात की जाए पहले सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बप्पा रावल ने कराया था ये सूर्य मंदिर का निर्माण। दूसरा देखते हैं, तुलजा भवानी मंदिर, तो इसका निर्माण कराया था बनवीर ने। नेक्स्ट है, श्रृंगार ये चवरी जैन मंदिर, तो इसका निर्माण किसने कराया था, ये निर्माण कराया था इन्होंने बेलाक ने। उत्तरभुवन मंदिर का निर्माण कराया था परमार भोज ने, तो इसका आंसर आ गया सी। देखिए, कालिका माता मंदिर का ये 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है, वर्तमान में ये कालिका माता मंदिर है ये। दूसरा है, तलुजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण बनवीर द्वारा कराया गया था। श्रृंगार चवरी मंदिर राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाक द्वारा कराया गया था इसका निर्माण। त्रिभुवन नारायण मंदिर परमार भोज द्वारा निर्माण कराया गया था इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वा दिया था। गुर्जर प्रतिहार मंदिर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो इसका देखिए यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ, तो लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य भारत और राजस्थान में जो क्षेत्रीय शैली विकसित हुई उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा गया। इसमें देखिए, ओसिया का सूर्य मंदिर, हरिहर में महावीर मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग का कलिका यह सूर्य मंदिर, आभानेरी, लांबा, मोडाना, बुच कला, पिपाड़ के मंदिर आदि में महामारू शैली का प्रभाव पड़ा है इसमें। दूसरा, विकसित गुर्जर प्रतिहार कला आउबा के कामेश्वर मंदिर, बिखेड़ के रणछोड़ मंदिर में ये दिखाई देती है। तीसरा है, गोड मंगलोत का दधी माता मंदिर जयपुर के पास भवानीपुर के निकट माता में नीमच के मगरमाटी मंदिर भी विकसित हुए हैं किसने, गुजर शैली में। गुजर प्रतिहार शैली का अंतिम वे सबसे भव्य मंदिर कौन सा, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट है, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक राजस्थान में बड़ी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने हैं जो सोलंकी मरू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विजय स्तंभ यानी कि कीर्ति स्तंभ के संदर्भ में बताना आपको। तो एक तरफ मंजिल है, दूसरी तरफ मूर्तियां हैं।
तो द्वितीय मंजिल किससे रिलेटेड है? ये अर्ध नारीश्वर से रिलेटेड है, चौथी यमुना से, गंगा यमुना से, पाँचवीं लक्ष्मीनारायण से और सातवीं विष्णु अवतार से। तो चारों बातें ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त विशेषताएं किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो देखिए इसमें शिकार के दृश्य को त्रिआयामी प्रभाव से दिखाया था। जैसे शिकार की बात आए तो आप समझ जाओ कि मेवाड़ शैली की बात कर रहा हो। कदम के पेड़ का चित्रण अधिक हुआ है, ये बात भी ठीक है इसमें। तो इसमें चमकीले लाल व पीले रंग का, लाल रंग की प्रधानता दिखाई जाती है, तो मेवाड़ शैली में शिकार वगैरह दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रचलित बेवाड़ से तात्पर्य क्या? तो बेवाड़ क्या है? काष्ठ मंदिर है। बस्सी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में काष्ठ, ये कहाँ पर बेवाड़ बनाए जाते हैं। धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकार राजस्थान में किस शैली से संबंधित हैं? तो उड़ियारा शैली से संबंधित हैं। एक तरफ चित्रशैली है, दूसरी तरफ स्वर्णकाल है। तो इसमें देखना, देखिए अलवर शैली का स्वर्णकाल किसके टाइम पर था? तो ये था विनय सिंह के टाइम पर। वही बात किया बूंदी शैली की तो उमेश सिंह के टाइम पर। अगर बात किया जोधपुर शैली की तो मान सिंह के टाइम पर। वहीं पर अगर जयपुर शैली की बात किया है तो प्रताप सिंह के टाइम पर। तो दूसरा आंसर ही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यशोधरा चरित्र चित्रित ग्रंथ किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आमेर शैली से संबंधित है। दुर्गा सिंह, काशीनाथ व कैलाश चंद्र किस कला से संबंधित है? तो ये मीनाकारी से संबंधित है। नेक्स्ट है, सांगानेरी प्रिंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं बताना है? तो इस छपाई में काला व लाल रंग में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, ये बात ठीक है। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल को जाता है, ये बात भी ठीक है। तो कोई भी गलत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थानी साहित्य की रचनाओं जिनमें वर्णमाला के 52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण की रचना का प्रारंभ किया था कहलाती है? क्या कहलाती है? कक्का कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने मुहूर्त नेडसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है, ये बात ठीक है, क्योंकि नेडसी द्वारा लिखित नेडसी रिख्यात की शैली अबुल फजल के अकबरनामा के समान है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं और व्याख्या भी सही करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मेवाड़ महाराणा राज सिंह के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है? तो कौन सा ग्रंथ है? एक तो राजरत्नाकर है और दूसरा राजप्रकाश, ये दोनों ग्रंथ ये करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ ग्रंथ हैं दूसरी तरफ लेखक हैं। तो पहले की बात करते हैं बुद्ध रासों की, तो इसके कौन है? बुद्ध रासों के जैन कवि, इसके लेखक हैं जल्हा, तो इनका नाम है ये जल्हा है। दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरा है रुक्मणी हरण, तो इसके लेखक कौन है? विट्ठल दास हैं। वहीं पर बात करते हैं रणमल की, तो ये हैं श्रीधर। और चौथे की बात करते हैं किशन जी रीबेली के, ये हैं साखला करम रुणेचा, तो इसका डी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें सत्य कथन बताना है, तो पहला स्टेटमेंट है गागरोन दुर्ग चंबल और बावनी नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये गलत है। तो कौन सी? ये काली सिंध नदियों के, ये आहू और काली सिंध के में संगम पर स्थित है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, जयगढ़ दुर्ग जयपुर पर कभी भी बाह आक्रमण नहीं हुआ है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किरसन रुक्मणी री की रचना गागरोन दुर्ग में की थी, तो दोनों बातें ये ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले का नाम बरसाना रखा गया था? तो ये शेरगढ़ किले का नाम बरसाना रखा गया था। किसने? फर्रुख सिकंदर ने शेरगढ़ दुर्ग का कोटा महाराज भीम सिंह प्रत्येक को पुरस्कार दिया था, बाद में इसका नाम बदल दिया था, क्या रखा था? बरसाना। राजस्थान की लोक कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, वह आपको बताना है। तो पहला ही है, भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा कस्बा फंड चित्र या चित्रण के कारण राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो गया है, ये बात ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार विजेता श्रीलाल जोशी ने फंड चित्रण का आधुनिक पहचान दिए, दोनों बातें ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, तो कौन सा सत्य है? नाहन नृत्य कोटा जिले के सांगो क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, यही सत्य है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अंबेडेश्वर धाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है, आपको बताना है। तो यहाँ स्थित मंदिर में खंडित शिवलिंग है, ये बात ठीक है। यहाँ के पुजारी सेवक जाति के हैं जो स्वयं को ब्राह्मण से उत्पन्न मानते हैं, ये भी ठीक है। घूमर भी गैर नृत्य है, यहाँ के मेले की प्रमुख विशेषताएँ हैं, तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान से संबंधित किस सैन्य अधिकारी को 1971 के युद्ध के बाद महावीर चक्र के अलावा पाकिस्तान ने भी फकरे हिंद की उपाधि दी थी? तो कौन थे? ये लेफ्टिनेंट जनरल हणु सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, रतन रासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। यह चरण कवि जग्गक जी द्वारा लिखा गया था, ये बात ठीक है। दूसरा, इसमें मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में धर्मत के युद्ध में रतलाम शासक
रतन सिंह का सूर्य वर्णन है, ये बात भी ठीक है। तीसरा है वीर रस प्रधान पिंगल ग्रंथ है जो गद पद दोनों में रचित है, तो ये गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हमीरासो जोधराज के टाइम की ये, और ये भास्थारथ, ये खेसी चरण, तीसरा भीम विलास, ये दुर्सा ग्रहण, यही मतलब गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ मेला है दूसरी तरफ तिथि है, कौन सा मेला कब मनाया था आपको देखना है। तो पहले की बात करते हैं हम, तो चंद्रभागा ये कब बनता है, ये कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है, वहीं पर शीतल माता बनता है चैत्र माह में। उसके बाद में देखते हैं केला माता बनाया जाता है चैत्र माह में, चैत्र माह की शुक्ल अष्टमी में, और चौदह माता बनता है ये माध कृष्ण चतुर्थी में, तो दूसरा आंसर ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक तरफ हवेली है दूसरी तरफ जो है जिले हैं। तो ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है, ये सीकर में है। दूसरा है बच्छावतों की हवेली कहाँ पर, बीकानेर में है। वहीं पर सालम सिंह की हवेली कहाँ पर, ये जैसलमेर में है। बगड़ियों की हवेली कहाँ पर, ये झुंझुनू में है, तो इसका आंसर पहला आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना, कौन सा असत्य है? तो देखिए दया सिंह सहजोई, ये चरणदास आदि की रचनाएं अहिरवाटी बोली में बोली गई, ये बात गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो पहला है गैर जो है मेवाड़ में बाड़मेर क्षेत्र की प्रसिद्ध नृत्य है, क्या नाम है इसका, गैर, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये बात भी ठीक है। तो गीदड़ नृत्य प्रमुख बाद ये जो है नगाड़ा होता है इसमें, तो ये बात ठीक है। डोडा रोपाई की रस्म गैर नृत्य का प्रमुख भाग है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा इसमें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है कि घोटला नृत्य है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। घोटला नृत्य महिलाओं एवं पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। दूसरा, घोटला नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष को घोटले खान का प्रतीक माना जाता है, तो इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, इसलिए गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, इसमें से कोई भी सही नहीं है। एक तरफ संगीत घराना, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। तो कथक घराने के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे भानु जी। दूसरी, जयपुर घराने कौन थे, मनरख खां थे। वहीं पर बात करते हैं अब पटियाला घराने की, तो इसके कौन थे, ये अली बख्श थे। किराना घराने के संस्थापक कौन थे, ये बंदे अली खां थे, तो भी आंसर आ जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ संबंधित समुदाय है। तो पड़ीहारी नृत्य ये कालबेलिया से संबंधित है। वहीं पर चरी की बात करें तो चरी गुर्जर नृत्य है। तीसरा, मावलिया की बात करें तो मावलिया किसका, कथोड़ी, और चक्री है कंजर का, तो ये आपका बी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है नानालाल गदर्भ, ये जयदयाल सोनी, ठाकुर ओंकार सिंह, ये हमीद बेग आदि किस ख्याल से संबंधित है, तो तुर्रा कलंगी से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, पुस्तक और लेखक आपको बताने कौन सा सही है। देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये किसका है, ये है आपका शालिद्र सूरी का। दूसरा, हमीर महाकाव्य है ये किसका है, ये है नैनचंद्र सूरी का। तीसरा है भरतेश्वर बाहुबली घोर, ये किसका है, ब्रजसेन सूरी का। पिंगल शिरोमणि किसका है, ये है आपका कुशल लाभ का, तो इसका डी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, पुरन भगत, मोरध्वज, और डुंगजी, जवार जी, राजा हरिश्चंद्र, गोपीचंद्र, भरतरी किस लोक, ये नाट्य शैली के उदाहरण है, तो किसके, रम्मत के उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। कि भीलों के नेजा नृत्य में नकली स्पर्धाजन्य युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, तो आपको बताना चाहिए नेजा नृत्य किसका, भीलों का है, तो इसमें नकली स्पर्धाजन्य युद्ध किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है चरी नृत्य में महिलाएं चरी में जलती हुई दीपक रखकर नृत्य करती हैं, ये बात गलत है। तो क्या करती हैं इसमें, कपास के जलते हुए बीज रखती हैं इसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है तेरह तारी नृत्य में महिलाएं तेरह मंजीरे बांधकर बैठी हुई मृदा में नृत्य करती हैं, तो तीसरी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें संख जो है तत्वाद यंत्र ये नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है, उपयुक्त कथन राजस्थान के किस व्यक्ति से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान आंदोलन में इन्होंने राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी। दूसरा है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तीसरा है 1921 में वर्धा में कांग्रेस आश्रम की स्थापना करी थी इन्होंने। और चौथा है इन्होंने अपने घर पर हरिजन सेवक रखकर आदर्श प्रस्तुत किया था एक, तो कौन व्यक्ति थे, ये जमनालाल बजाज थे। नेक्स्ट चलते हैं,
इन्हें जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है, इन्हें गांधी जी का पांचवां पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाखा खान मांगड़िया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो भाई जैसलमेर जिले के रानेरी गांव के निवासी ये सत्य है इसमें। तो कहाँ के थे, जोधपुर जिले के रानेरी गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक तरफ जलीय संरचना है दूसरी तरफ जिला है, कौन सा जिला कौन सी जलीय संरचना से रिलेटेड है। तो कीर्तिमारी तालाब कहाँ पर है, ये बूंदी में है, एक का पाँचवा, तो एक का पाँचवा एक में ही है। और बी की बात करें तो नौलखा बाबड़ी ये डूंगरपुर में है। संगमरमर कुआ कहाँ पर है, संगमरमर कुआ है आपका बाड़मेर में। वहीं बात करते हैं रानी जी की बावड़ी ये कहाँ पर है, ये है बूंदी में। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए कौन सा संप्रदाय सगो ओडोपासक संप्रदाय नहीं है, तो कौन सा, राम स्नेही संप्रदाय। अब इनके कुछ ये इनके संस्थापक देख लेते हैं, ये प्रवर्तक राम स्नेही संप्रदाय के कौन थे, ये थे रामचरण जी। इनके बल्लभ संप्रदाय के, ये बल्लभाचार्य। निष्कर्म के कौन थे, निष्कर्माचार्य थे। और इसके कौन थे, ये थे संत मावा जी। एक तरफ संप्रदाय है दूसरी तरफ पीठ है, कौन सा इसमें कितने सही सुमेलित हैं ये बताना आपको। तो गौड़िया संप्रदाय के कौन थे, गौड़ी संप्रदाय की पीठ है कौन सी, गोविंद जी जयप सॉरी तो ये गौड़िया संप्रदाय के कौन थे, ये गोविंद जी जयपुर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरे की बात करें जसनाथ जी संप्रदाय के, तो ये कतरियासर, ये बीकानेर, ये ठीक है। लालदासी संप्रदाय के भरतपुर, ये ठीक है। पशुपति संप्रदाय के कौन कहाँ पर थे, ये जोधपुर में नहीं था, उदयपुर में था ये, तो ये चौथा भी गलत है। तो केवल दो कोटि में सही जाते हैं, दुकुल, चोरसो, धोरा बली और चीट पटोरी आदि हैं। ये क्या है, राजस्थान में साड़ियों के विभिन्न नाम हैं ये। नेक्स्ट है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा एवं द्वारकाधीश कांकरोली मंदिर में प्राप्त काल से सैन काल तक कितनी झांकियाँ दर्शन होती हैं, तो 8 झांकियाँ दर्शन होती हैं। नेक्स्ट है, असुमेलित को बताना है इसमें, कौन सा असुमेलित है। तो इसमें ये देखिए, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है, ये जयपुर में स्थित है, ये भरतपुर में स्थित नहीं है। बाकी तीन का भी आपको देख लेना चाहिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हवा महल की पाँचों मंजिल के नाम दिए गए हैं, इनमें नामों का क्रमानुसार यानी कि प्रथम से पाँचवीं तक आपको बताना है, लगाना है सीक्वेंस में। तो सबसे निचली मंजिल जो है वो किसका नाम क्या है, उसका नाम शारदा मंदिर है, सबसे नीचे है वो। उसके बाद जो दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर। तो शारदा मंदिर, रतन मंदिर। तीसरी मंजिल का नाम है इसमें विचित्र मंदिर। और चौथी का नाम है इसमें प्रकाश मंदिर। और पाँचवीं का नाम है हवा मंदिर, सबसे ऊपर है। क्लियर है, प्रथम मंजिल शारदा मंदिर, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी और प्रकाश, पाँचवीं का पता होना चाहिए हवा। तो कौन सा है सुमेलित है, एक तरफ लोक देवता दूसरी तरफ मेला तिथि है। तो तेजय जी आपको पता कि भाद्र माह में लगाई जाती है, देवनारायण माघ माह में लगाई जाती है, गोगा जी लगाई जाती है भाद माह में, कृष्ण नवमी में, रामदेव जी ये गलत है। रामदेव जी कब लगती है, ये लगता है भाद्र माह के शुक्ल एकादशमी को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बाबू जी की मूर्ति तलवारधारी अश्व रोगी के रूप में बनाई जाती है। तो ये सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है कि कौन सा, मतलब अभी देखना है कि सही है गलत है क्या है। तेजा जी की मूर्ति भाला सिंह अश्वरोही के रूप में बनाई जाती है, दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। बाबू जी की भाला के लिए अश्वरोही मूर्ति है और दूसरी तेजा जी की तलवार के लिए अश्वरोही मूर्ति है। तो इसने यहाँ पर उल्टा कर दिया है दोनों का, तो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है, सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर के अनुसार गोगा जी गायक की रक्षा हेतु वीरगति को प्राप्त हुए, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, कभी मेह ने गोगा जी का रसावला में उनकी वीरता का वर्णन किया, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, गोगा जी के जन्मस्थल ददेरवा के मंदिर को घुरमेड़ी नाम दिया था, ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा ठीक है इसमें। ये क्या है इनकी, ये समाधि स्थल है, जन्मस्थल यानी समाधि स्थल है, जिसको गोगामेड़ी धुरमेड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, करणी माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, ये तो हमने आज ही डिस्कस किया है। तो कौन सा कथन सही सत्य है बताना है। मुख्य मंदिर इनका देशनोक में है, अलवर के राजा बख्तावर सिंह की इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था इसने। इस मंदिर में सावन भादो कढ़ाई मौजूद है, करणी माता का लोकगीत सबसे लंबा है। तो ये कौन सा इसमें ठीक है, तो देखिए चौथा इस छोड़ के बाकी तीनों ठीक है इसमें। किसका गीत सबसे लंबा है, जीर्ण माता का लोकगीत जो है ना सबसे लंबा लोकगीत है वो। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है, आई माता के दिलवाड़ा ये बिलाड़ा स्थित मंदिर को बढ़ेर कहा जाता है, ये बात ठीक है। बासियोड़ा त्यौहार शिला माता से संबंधित है, तो ये बात गलत है।
बासियोड़ा त्यौहार इससे संबंधित है। बासियोड़ा तो ये शीतलता माता है, शीला माता नहीं, यह शीतला माता से, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है कि तनोट माता मंदिर को युद्ध देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन थाली मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये आयोजित होता है आपका, ये भरतपुर में आयोजित होता है। कहाँ पर? कामा भरतपुर में, भद्रपाद शुक्ल की पंचमी को ये मेला लगता है। नेक्स्ट है, एक तरफ आभूषण है दूसरी तरफ अंग है, कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो पहला देखते हैं हम, पहला आभूषण कौन सा है? ये टोंटी है, ये कहाँ पर पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है, टोंटी पहनी जाती है कहाँ पर? कान में। तो पहले का तीसरा दो नहीं होंगे इसमें। दूसरी झालरों की बात करें तो झालरों कहाँ पर पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और धांस की बात की जाए तो ये धांस दांत में और टुस्सी कान में पहनी जाती है। अब कुछ मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं इनके आंसर बता देता हूँ, तो इसको आप देख लेना। नीचे दिए गए अक्षरों का अनुक्रम के बाद क्या आना चाहिए? तो जो अनुक्रम चल रहा है उसके हिसाब से आप बता देना कि क्या आएगा। तो इसमें ये आएगा W। नेक्स्ट है, इस श्रृंखला में गलत पद को चयन करना कौन सा गलत है? तो आप यहाँ से देख सकते थे, देखिए एक के बाद पाँच आया, यानी चार का गैप, फिर चार का गैप, उसके बाद यहाँ पर 13 आ सकता था, है ना? तो 13 इसका आंसर आया, तो यानी कि 15 ये गलत है। अब इसमें ऐसे गैप निकाल लेंगे तो इसके हिसाब से क्या 180 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन करना है, तो कौन सा गलत है? इसमें 216 गलत है। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, तो विलुप्त पद को, इसमें विलुप्त पद के स्थान पर क्या आएगा इसमें? तो इसमें दो का गैप करना है, जे जे के बाद में जे के एल एम, यानी कि एम तो आना है, तो दो तो नहीं होने के, तो इसमें से, और उसके बाद नंबर देखिए, दो नंबर आए, दो नंबर आए, दो दो का गैप हो रहा है इसमें, दो का गैप तो 11 आएगा इसमें, एम 11 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 है, तो इसमें बताना है कि इसमें क्या आएगा, विलुप्त पद के स्थान पर क्या आएगा? तो विलुप्त पद के स्थान पर इसमें 6 आएगा। नेक्स्ट है 107, तो इसको देख लेना आप, तो इसमें बेहतर आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है सी, 109 का आंसर है इसमें सी, तो इसी तरीके देख लेंगे 2, 5 और 7, 7, मतलब क्या जेड जेड देखिए नीचे एक्स बाई जेड बी डब्ल्यू एक्स बाई जेड ये सीरीज चल रही है, तो बी से क्या पहला आएगा? यू आएगा उससे पहले। और नंबर में इसी तरीके देख लेंगे, जैसे 9, 11, 13 देखिए 5 है लास्ट में 5 है, फिर ये 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 11, 13 फिर 15 आएगा, तो 15 का आंसर पकड़ लेंगे, ये आंसर नहीं होने के हैं, तो इसी आंसर आ गया। इसी तरीके से इसमें देख लेंगे, इसका आंसर ये है 111 का आंसर यह है डी है, 112 का आंसर है आपका ए, 113 का आंसर है, 113 का आंसर है बी, 114 का आंसर है इसमें ए, 115 का आंसर है इसमें डी। देखिए ये मेरे हिसाब से जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको आप अगर PYQ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में टफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अगर नहीं होंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे इसमें से। तो इसका देखिए यहाँ पर इसका आंसर ही नहीं बताया, तो इसको काट दो आप। 117 का आंसर है इसका डी, 118 का आंसर है ए, 119 का आंसर है सी, 120 का आंसर है बी। अब 121 का देख लीजिए, राज्य के कृषि परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है? देखिए कृषि क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल संवर्धन यानी कि GSB में प्रचलित मूल्यों पर 14.1% की वृद्धि हुई है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, इस क्षेत्र में 2023-22-23 में GSBA की प्रचलित अगर प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि देखें तो 13.84% है, तो दोनों बातें ठीक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में कृषि संबद्ध क्षेत्रों में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित मूल्यों पर 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सा ऐसा सत्य है बताना है आपको? तो देखिए पशुधन सर्वाधिक योगदान में न्यूनतम वृद्धि वाला क्षेत्र है, पहले स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, मत्स्य न्यूनतम योगदान में सर्वाधिक वृद्धि वाला क्षेत्र है, ये दोनों बातें ठीक हैं, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो पशुधन की देखिए कितना परसेंट शेयर करता है, ये मतलब इतना है, और वृद्धि कितनी हुई है 3.91 वृद्धि, सॉरी ये वृद्धि है ठीक है 46.41। फसल क्षेत्र कितना है, ये नहीं फसल क्षेत्र वृद्धि नहीं, वृद्धि तो ये है। दूसरा, वानिकी में कितना है, वानिकी में 7.21 है। नेक्स्ट चलते हैं, भू उपयोग 2021-22 के बारे में देख लेते हैं, 2021 के बारे में क्षेत्रफल, तो कौन सा इनमें सही कितने युग में ये बताना है आपको? तो वानिकी क्षेत्र कितना है, ये 10. ये गलत है, वानिकी क्षेत्र कितना 8.08 है। वहीं पर बात की जाए बंजर भूमि की, तो बंजर भूमि है 10.87, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया डेटा को। दूसरा देखते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है,
तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 52.34, ये बात ठीक है। वृक्षों के झुंड तथा बाग कितने हैं, तो यह है 0.009, मतलब 0.09 है, तो 0.9 ये गलत लिख दिया है, तो केवल एक ही इसमें ठीक है। नेक्स्ट है, प्रचलित जोत धारकों यानी कि कृषि गणना 2015-16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है, इसके बारे में बताना है आपको। तो राज्य में भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में बड़े आकार की भूमि जोतों में कमी दर्ज की गई है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, राज्य में मध्यम आकार की जोतों में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, ये बात गलत है। दूसरा, महिला प्रचलित जोतों धारकों में सभी आकार वर्गों की जोतों में कमी हुई है, तो ये बात गलत है, तो इसमें दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में महिला भू जोतों की वृद्धि दर कितनी है, तो कितनी है, 41.9% ये वृद्धि है। निम्नलिखित में से उस फसल का युग्म का चयन कीजिए जिनके उत्पादन राजस्थान में प्रथम स्थान है, तो कौन कौन से का, देखिए सोयाबीन का तो ये तो है नहीं, तो गलत हो गया है, तो बाजरा हो गया, सरसों हो गया और ग्वार हो गया। प्रथम में देखिए बाजरा, सरसों, पोषक अनाज और कुल तिलहन और ग्वार का प्रथम स्थान है। द्वितीय में कुल दलहन और मूंगफली में दूसरा स्थान है। तृतीय में चना, ज्वार, सोयाबीन में तीसरा स्थान है। एक तरफ तो योजना है, दूसरी तरफ उद्देश्य है, इनके बताने हैं कि कौन सी योजना क्या उद्देश्य है। लव कुश वाटिका, तो ये क्या कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, ये इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। नंदी गौशाल, तो यदि इससे नाम से ही पहचान लोगे तो आप, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये नंदी गौशाल है आबारा, ये गोवंश को ये संधारित करने हेतु है। वही बात करते हैं देवनारायण आवासीय योजना, जो किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका पशुपालकों से। घर घर औषधि, तो ये स्वास्थ्य से या सेवा से संबंधित है, तो भी आंसर आ जाता है इसमें। नंदी गौशाल योजना कब आई थी, ये 29 अगस्त 2019 को आई थी। ये देवनारायण पशुपालक योजना अगस्त 2020 में आई थी। घर घर औषधि अगस्त 2021 में आई थी ये। नेक्स्ट है, प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 की तुलना में 2022-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 14.85% की वृद्धि देखी गई है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर 100% पूछा जाएगा, इसको नोट कर लो आप। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी थी, 156,149 रुपये अनुमानित है, जो 14.85% की वृद्धि दर्शाती है। और प्रति व्यक्ति अगर स्थिर कीमतों पर देखें तो 86,134 रुपये है, जो 6.94% की वृद्धि दर्शाती है। तो 86,134 और 156,149 आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भूमिहीन श्रमिकों हेतु शुरू किए गए राजस्थान श्रमिक कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत अनुदान राशि कितनी है, तो अनुदान राशि है 5,000 रुपये प्रति परिवार। तो कब आई थी, 2022-23 के बजट में 5,00,000 भूमिहीन श्रमिकों को हस्तशिल्प कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया था। बजट में 250 करोड़ रुपये लाया इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 130 है, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर स्तर मूल्यों पर प्रदर्शित करने के कूट बताना है, कौन सा है, तो इसमें है 6.95 लाख करोड़, या फिर कहेंगे 8.11%। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर कितना, 12.60 लाख करोड़, पिछले की तुलना में 16% ज़्यादा है ये। अगर बात किया है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर मूल्यों पर, तो ये 6.9 ये लाख करोड़ है, जो 8.11% ज़्यादा है। नेक्स्ट है, राज्य कृषि बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है, आपको भी बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की थीम आधारित यह बजट 2023-24 में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है, तो ये गलत है। प्रथम बार कब हुआ था, 2022-23 में आया था, पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक आवंटन कृषि साख को दिया गया है, तो ये गलत है। सर्वाधिक आवंटन किसको, कृषि अनुदान को दिया गया है, दूसरा भी गलत है। तीसरा, राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन इसका नवीनतम मिशन है, तो ये भी गलत है। तो इसका नवीनतम मिशन कौन सा है, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं संवर्धन मिशन, इसका जो नवीनतम 12वां मिशन है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत है। ये राज्य में मूल्य सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है, बताना है। राज्य के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक व अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक 2021 में क्रम से 12.7 व 6% की वृद्धि हुई है, तो ये बात ये गलत है। दूसरा है, वर्ष 2022 में राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के तीनों में बढ़ोतरी प्रवृत्ति देखी गई, ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन इसका उद्देश्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, राजस्थान उद्योग व वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत द्वारा 17 सितंबर 2022 को कौन सी नीति जारी की गई थी? तो ये राजस्थान एमएसएमई नीति और राजस्थान हस्तशिल्प नीति दोनों जारी की गई थी। ये नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तो पहला है जेब सुरक्षा प्रयोगशाला, ये तो देखिए ये भी डिलीट कर दिया गया है। तो आधुनिक जेब सुरक्षा प्रयोगशाला ये जयपुर में, बस इतना कुछ जो जैसा भी मिले आपको देख लो, इस पर ध्यान मत दो आप। तो जयपुर में आधुनिक जेब सुरक्षा प्रयोगशाला ये स्वीकृति दी गई है। वहीं पर बात की जाए तो सेक्स सोर्टेड सीमेन उत्पादन के लिए बस्सी जयपुर में ये बनाया जाएगा। तो बस्सी कहाँ पर, ये बस्सी आ गया इसका। दूसरा बात करें किसान प्रशिक्षण संस्थान, तो ये नाथद्वारा राजसमंद में इसका ये आ गया। और खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला ये कहाँ पर, ये चुरू में बनाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संसद की नवी इमारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, अब इसमें बताना है कि भाई कितने स्टेटमेंट जो सही हैं। इसका निर्माण रिलायंस कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है, तो ये बात गलत है। किसके द्वारा किया गया है? इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। लोकसभा की थीम कमल और राज्यसभा की थीम मोर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। लोकसभा की मोर है जबकि राज्यसभा की क्या है, कमल है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 334 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, तो ये बात ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। चौथा है, राज्यसभा स्पीकर के आसन के पास सहंगोल स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया है, ये लोकसभा स्पीकर के पास में लगाया गया है, तो केवल इसमें एक स्टेटमेंट ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए आपसे कि संसद में बैठने की सदस्य कितनी है, संख्या कितनी है, तो भाई 1272 सीट्स हैं। कभी हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाओ 384 और 888, मतलब अगर टोटल पूछ रहे हैं आपसे तो 1272 पर टिक करके आना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, सूची बनकर सूची टू से मिलान करना है। तो सतत भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो भाई साहब ये बनाया जा रहा है कहाँ पर, देहरादून में। दूसरा, पर्यटन पर G20 की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी भाई साहब श्रीनगर में। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर, तो आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। और एशिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये सूरत में बनाया जा रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर आ गया डी। नेक्स्ट चलते हैं, NBS-01 नेविगेशन उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो यह जो है IRNSS IG को प्रस्तावित करेगी, ये पहली बात ठीक है। दूसरा, L1 बैंड सिग्नल समाहित है इसमें, जो सेवाओं को बेहतर रूप से प्रदान करता है, ये बात ठीक है। तो इसको लॉन्च किससे किया, तो PSLV F द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा इसमें ठीक है। तो इसको किससे लॉन्च किया, 29 मई 2023 को इसरो ने NBS-01 का सफल परीक्षण कैसे किया, GSLV F12 से लॉन्च किया है इसको। जोरावर क्या है, तो जोरावर DRDO द्वारा विकसित एक लाइट टैंक है, इसका नाम है जोरावर। ईरान द्वारा प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल नाम क्या है, इसका नाम है खैबर। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कर्म संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने कथन सत्य हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला देखिए, पहला यह बंदरगाह जहाजरानी और जलवायु मंत्रालय का कार्यक्रम है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, सॉरी पहला स्टेटमेंट ये ठीक है, ये पंचकर्म संकल्प जो है ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, इसके अंतर्गत देश के केवल पश्चिमी बंदरगाहों को शामिल किया गया, ये बात गलत है, तो इसमें पूर्वी व पश्चिमी दोनों बंदरगाहों को शामिल किया गया है। तीसरा है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन हब और सिंगल विंडो पोर्टल विकसित किए जाएंगे, तो ये जो है दो स्टेटमेंट ठीक हैं इसमें, और दूसरा वाला जो गलत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसको किसको मिला है, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, बुल्गारिया के रहने वाले हैं। तो उपन्यास का नाम क्या है, टाइम सेल्टर इनके उपन्यास का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर एराबत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 75वां स्थान है विश्व में, जबकि पहले नंबर पर कौन सा है, पहले नंबर पर फ्रंटियर, ये अमेरिका का है। नेक्स्ट है, सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तो पहला है कि ऑड्रे डेस पॉल्स अवार्ड विजेता कौन है, तो ये है RS खंगारोथ। तो पहले का चार, तो ये नहीं होगा, पहला और चौथा हो सकता है अभी। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश ये जॉर्ज मसी हैं, कौन, जॉर्ज मसी। तीसरा है, भारतीय पैरा टेला ये टेबल टेनिस के कोच कौन है, अभी इसके कोच है आपके सुमन पारिक, ये जयपुर के रहने वाले हैं सुमन पारिक। और बाकी राजस्थान के
बधिर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो यह है सूरज कुमार। तो इसका आंसर आ गया आपका डी। निम्न में से कौन से खेल ग्रामीण व शहरी ओलंपिक दोनों में शामिल हैं? तो कौन से हैं खेल, ये कबड्डी हो गया, टेनिस बॉल हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्रकृति भवन जयनारायण व्यास विद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है इसमें। दूसरा, यह देश का पहला केंद्र है जहाँ प्रकृत पाली व जैन साहित्य की पढ़ाई एवं विश्वस्तरीय शोध होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो देखिए, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्रकृत भवन का शिलान्यास मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय में हुआ है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय का नाम गलत था, तो यही गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो कौन से को? डूंगरपुर जिला अस्पताल को। 147 देखते हैं, राजस्थान में किन स्थानों पर 3D सिटी प्रस्तावित है? कहाँ कहाँ पर? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? बताना है। हाल ही में इसके अंतर्गत सेंट पीटर्सबर्ग मुंबई मार्ग पूरा करने हेतु ईरान रूस के बीच में समझौता हुआ है। भारत रूस व ईरान द्वारा इसे 2002 में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर आधारित है। ये तीनों बातें ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। कितने स्टेटमेंट इसमें ठीक हैं? इसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए, ये जो है यूनाइटेड नेशन की संस्था नहीं है, ये एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है, यानी कि एक NGO है जिसके द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, नॉर्वे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और भारत ने 161वां स्थान प्राप्त किया है। कल ही हमने टेलीग्राम के MCQ में इसको डाला था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने बोला था कि हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, इसमें पहली रैंक पर नॉर्वे रहा, भारत का स्थान क्या है? तो हमने ऐसा कवर किया हुआ था कि वो जो है इसमें दोनों क्वेश्चन को इसमें कवर कर देगा वो। क्लियर है? तो दो स्टेटमेंट इसमें ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 है, हाल ही में किस खिलाड़ी जोड़ी ने मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है, ये HS प्रणय ने। तो HS प्रणय साइना नेहवाल और PV संधु के बाद यह खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। तो ये हमने पहला टेस्ट डिस्कस कर लिया। अभी कुछ लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि पहला टेस्ट डिस्कस बाद में क्यों कर रहे हैं, पहले सारे वो क्यों कर लिए। भाई, उसका मकसद एक ही था कि जब तक हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी, आर्ट एंड कल्चर नहीं डिस्कस किया था, तब तक हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया था। बाकी जो भी वो टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट आएंगे उसको हम कवर करेंगे। राजस्थान के MCQ हम कंटिन्यू टेलीग्राम में डालते रहेंगे, 100 टॉप MCQ डालेंगे हम, जिसमें से उम्मीद है कि 10 से 15 क्वेश्चन MCQ में फंस जाएँ करंट अफेयर के। तो आप उसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं हर वीडियो के। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।